हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्राइकलर बर्फी बनाने जा रहे हैं। तो आइए हम ट्राइकलर बर्फी बनाना शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है और हमने गैस ऑन कर दी है। अब हम इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद सेम कटोरी से मेज़र करके चीनी डालेंगे। एक कप पानी लिया है और एक कप चीनी ली है और इन्हें बॉईल कर लिया है अच्छे से। अब इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे। ये देखिए, अब हमारी ये चाशनी बनकर तैयार है। आप इसे चेक कर सकते हैं। आपको एक हल्का सा तार नज़र आ रहा होगा। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। हम यहाँ पर इसमें एक कटोरी नारियल पाउडर डाल रहे हैं। हम टोटल यहाँ पर 1.5 कटोरी नारियल पाउडर यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर अभी एक कटोरी ही डाला है, बाकी हम बाद में डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी नारियल पाउडर भी डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहना है, वरना हमारा नारियल जल सकता है। और इसे हमें थोड़ा सा थिक करना है। आपको इसे कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलाते रहना है। आप फ्लेम लो कर सकते हैं, लो से मीडियम फ्लेम ही रखना है आपको। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल रहे हैं ताकि इससे बर्फी का टेस्ट और अच्छा हो जाए और हमारी बर्फी शाइनी लगे। इससे इस मिक्सचर का टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने इस मिक्सचर को 3 अलग-अलग प्लेट्स में निकाल लिया है, क्योंकि हम ट्राई कलर बर्फी बना रहे हैं तो हमें 3 कलर में ये चाहिए होगा। तो हम एक पार्ट में ऑरेंज कलर ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसी तरह हम ग्रीन फूड कलर ऐड करके ग्रीन कलर भी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारे तीनों कलर रेडी हैं। अब हम इसे सेट करते हैं। सेट करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और फिर इसमें ऑरेंज कलर वाला पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छे से हम फैला देंगे। आप ग्रीन कलर का पेस्ट भी डाल सकते हैं पहले। अब हम व्हाइट डाल रहे हैं
और इसे अच्छे से फैला देंगे। हमें तीनों लेयर्स इक्वल रखनी है। अब हम इसके ऊपर ग्रीन कलर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे सेट होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए, अब हमारी बर्फी सेट हो चुकी है। हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। आप अपनी पसंद से और किसी शेप में भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी ट्राई कलर बर्फी बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। नारियल का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये बर्फी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।